अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सबको फ्राइडे जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। जुम्मा तो गुजर चुका है लेकिन रिकॉर्डिंग क्योंकि मैंने लेट की है इस वजह से मैं अभी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो ये फ्राइडे को अभी हम नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता थोड़ा सा हम लाइट करते हैं फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे को सारा प्लान होता है कि दिन को कुछ अच्छी चीज़ बना ली जाए, चिकन कढ़ाई या फिर राइस बना लिए जाएँ या इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, या फिर रात में इस तरह की प्लानिंग होती है क्योंकि हस्बैंड घर पे होते हैं और उनकी ऑब्वियसली फरमाइश होती है, तो इस वजह से फिर हम लोग कर लेते हैं लाइट नाश्ता सुबह के टाइम पे और दिन को फिर हम ज़रा हैवी खा लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेड गरम कर रही थी, साथ में मैंने चाय रखी हुई थी और देसी घी जो घर का है उसके साथ मैं जो है वो ब्रेड्स को गर्म कर रही थी। फ्राइडे काफ़ी बिजी डे होता है और आजकल वैसे भी आपको पता है सर्दी है और सर्दी की वजह से दिन वैसे भी काफ़ी ज़रा छोटा हो गया है और पूरे दिन का पता ही नहीं चलता कि कब दिन शुरू हुआ और कब दिन ख़त्म हो गया। और काम तो है इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन फ्राइडे को स्पेशली ज़्यादा होता है, कुकिंग का बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए, तो बिज़ी डे होता है फ्राइडे का। और जुम्मे की तैयारी वगैरह भी करनी होती है क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है और भी काफ़ी सारे काम होते हैं, कपड़े प्रेस करना ये वो, सो काफ़ी बिजी डे हो जाता है फ्राइडे का बाकी जो डेज़ हैं उनकी बनिस्बत। लेकिन अच्छा दिन भी होता है क्योंकि साथ में जब स्पेंड करते हैं, हस्बैंड घर पे होते हैं तो काफ़ी सारा टाइम जब साथ में स्पेंड होता है, साथ में खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं और अच्छा दिन गुजर जाता है फिर। तो अभी मैं यहाँ पे अंडा फ्राई कर रही थी। आजकल दोबारा से न्यूज़ में जो है ना वो बताया जा रहा है कि दोबारा से स्कूल बंद होने वाले हैं और बच्चों की खुशी का जो अंदाज़ा है ना वो तो हवाओं में उड़े हैं कि कब स्कूल बंद हो। उनको सबसे ज़्यादा अच्छी खबर यही लगती है कि स्कूल बंद होने वाले हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बस उनको ये न्यूज़ सुननी है। वैसे शायद वो न्यूज़ सुने या ना सुने लेकिन अभी आजकल बच्चे भी बड़ी न्यूज़ सुनना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे जी नाश्ता हमारा तैयार हो चुका है, चाय जो है वो हम एंड पे पीते हैं, ब्रेड भी मैंने गर्म कर लिया, एग्स भी बना लिए हैं और साथ में फ्रूट केक था, सो नाश्ता हमारा डन है। अभी यहाँ पे मैं रूम में थी और थोड़ी बहुत सफाई भी कर रही थी और मैंने आज बेडशीट चेंज की है क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने कॉटन की बेडशीट बिछाई हुई थी। अभी मैंने आज गर्म जो बेडशीट होती है ना वो बिछाई है, ये बहुत वार्म सी बेडशीट है और वाटरप्रूफ भी है। और मैं सजेस्ट करूँगी कि जितनी भी जो वुमेंस हैं ना जो शादीशुदा हैं बच्चों वाली माएँ हैं उनको लाजमी इस तरह की बेडशीट लेनी चाहिए। एक तो ये गर्म होती है बहुत ज़्यादा, आपको वार्म रखती है और दूसरा जो है ना ये वाटरप्रूफ है और बच्चे पानी गिरा देते हैं, सालन गिरा देते हैं, जूस गिरा देते और वैसे भी जो है ना वो होनी चाहिए इस तरह की। सर्दियों में आपको पता है कि बार बार धोई नहीं जाती बेडशीट, मुश्किल हो जाता है। अभी मैंने घर की कुछ साफ़ सफाई ख़त्म की और अभी दिन का टाइम था, तकरीबन 12:30 बजे थे और मैंने जो है वो चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर दी थी। ये वीडियो मैंने इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है अपने यूट्यूब चैनल पे, लाजमी बनाइएगा, देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत जमी बहुत मज़े की बनती है। हमने जब खाई थी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मज़े की बनेगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार मैं ना एक नई ट्रिक यूज़ करूँ, एक नई ट्रिक के साथ बनाऊँ, तो मतलब जायका भी चेंज हो जाता है क्योंकि बार बार एक ही चीज़ खा खा के और एक ही टेस्ट के साथ खा खा के ना तो वो बंदे का दिल भर जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि बार बार जब भी आप बनाएँ नई टेक्निक्स यूज़ करें, कुछ नए मसाले ऐड कर दें तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो इस दफ़ा भी मैंने थोड़ी चेंज करके बनाई थी, मैं घर के मसाले ऐड करती हूँ, मैं बाहर का मसाला ऐड नहीं करती स्पेशली चिकन कढ़ाई में। और हम हर बार ही नए स्टाइल से और नए डिज़ाइन से बनाते हैं तो बहुत मज़े की बहुत यमी बनी थी। इसमें जो अदरक का टेस्ट आ रहा था ना जब मैंने वो अदरक के जो चिप्स होते हैं मतलब जो काट के मैंने डाली थी एंड पे, तो उसका जो टेस्ट आ रहा था बहुत यमी, बहुत मज़े का और बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी इसकी उस अदरक की वजह से। ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब जैसे हम होटलों में खाते हैं ना वैसे वाली कढ़ाई, मुझे मतलब वैसा टेस्ट आ रहा था। तो उस मसाले जो थे वो भी थोड़े से लाइट थे और इजीली हम खा भी सकते हैं। वैसे भी आपको पता है बाहर से जब हम खाते हैं इतने तेज़ मसाले होते हैं, स्पाइसी होते हैं और स्टमक प्रॉब्लम भी हो जाती है और हम ज़्यादा खा भी नहीं पाते, लेकिन घर के मसालों का फ़ायदा ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से आप ऐड कर लें और आराम से खा लें। तो अभी मैंने यहाँ पे भून रही थी मैं चिकन को,
और तकरीबन डन थी। थोड़ा सा पानी था इसके अंदर जो मैंने खुश किया, और अब ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। और इसकी आप फाइनल लुक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त, देखने में बहुत ज़बरदस्त है और बनी भी बहुत मज़े की थी, बहुत यम्मी बनी थी। बहुत अच्छी कुक तो नहीं हूँ मैं यार, कभी कभी हम कर लेते हैं, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, करनी चाहिए, बंदे का मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता है। आप नई नई चीज़ें ट्राई करें तो आप मास्टर हो जाते हो फिर उस काम में। अभी मैंने इसमें धनिया ऐड किया था, और आप खुद देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अभी जब मैंने ये इसके अंदर अदरक डाली तो और अच्छा इसका टेस्ट और अच्छी लुक इसकी आ रही थी। आज का दिन बहुत बिजी था क्योंकि दिन को भी मैंने बनाया था, हांडी बनाई थी, और रात को भी फिर हमने फ़िश फ्राई की थी, और इसलिए फिर थोड़ा सा, आपको पता है ना, जब हम दिन भी वैसे भी छोटा है और किचन में जब सारा दिन कुकिंग में गुजर जाता है तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता। और फिर साफ़ सफ़ाई, घर की, छोटे मोटे काम इधर उधर के, तो दिन जो है वो जल्दी गुजर जाता है क्योंकि छोटा हो गया दिन। अभी ये देखिए फाइनल इसकी, इसको मैंने डिश आउट किया है और दोबारा से मैं इस पर थोड़ी सी गार्निशिंग कर रही हूँ, और ये खाने के लिए तैयार है। बहुत मज़े की थी, अपनी तारीफें खुद ही मैं कर रही हूँ। आप लोग तो कमेंट्स में बताएंगे ना आपको कैसी लगी। लुक अच्छी है तो इसका मतलब फिर टेस्ट भी अच्छा है, जब लुक अच्छी होती है तो टेस्ट भी अच्छा होता है। ये भी तैयार हो चुकी है, और अभी इसके बाद मैंने रोटी बनाई थी, और रोटी के बाद फ़ौरन चाय, क्योंकि जुमे का टाइम था और जुमा तकरीबन 2:30 बजे ख़त्म होता है, रोटी बनाने तक खाने तक 3 बज जाते हैं, और तकरीबन 3:30 बजे फिर मैंने चाय बनाई थी, और दिन ऐसे ही गुजर गया। और चाय पीने के बाद वैसे ही शाम हो जाती है, जूँ ही चाय पी रहे थे हम तो असर की अज़ान होना शुरू हो गई थी, और जूँ ही वो नमाज़ पढ़ो तो फिर मगरब की अज़ान होना शुरू हो जाती है, दिन गुजर जाता है। मुझे सर्दियों में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लगता है ना, एक तो कपड़े धोना और बर्तन धोना, दोनों काम करते मौत पड़ती है। लेकिन क्या करें, करने पड़ते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, काम तो हमने करने हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास फ़िश है जिसको हमने मसाला लगा लिया है, हमने घर का मसाला ही इस पे भी लगाया है। इसमें जो चीज़ें हमने ऐड की हैं वो थी, मैं आपको बता देती हूँ, नमक था, उसके बाद जो रेड मिर्च होती है सालन वाली वो थी, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च थी, हल्दी थी, धनिया पाउडर था, काली मिर्च थी, ज़ीरा पाउडर था, गरम मसाला था, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की। लीमू थे, 6-7 अदद लीमू थे जो हमने इसके अंदर ऐड किए थे। ये जो अभी मैंने वाइट कलर का इसके अंदर ऐड किया ये कॉर्नफ्लावर है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये थोड़ी सी ना क्रिस्पी सी बनती है फ़िश, मज़े की बन जाती है। और फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसको डीप फ्राई करना होता है, यानी कि ज़्यादा देर तक हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा कलर देना है इसको, तब जाके ये सही तरीके से बनती है और इसके अंदर से स्मेल भी नहीं आती। तो अभी मैं इसमें कर रही थी, इसको मिक्स कर रही थी, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, और अभी मैं इसको फ्राई करूँगी, और फ्राई भी ज़रा एहतियात से करना पड़ता है क्योंकि छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। और मीडियम फ्लेम पे इसको रख के ज़्यादा देर इसको फ्राई करें, अगर बहुत बड़े पीसीस हैं ना तो फिर उसको ज़्यादा देर तक हमें फ्राई करना पड़ता है, ज़रा क्रिस्पी से भी हो जाए और डीप फ्राई हो जाए, कलर ज़्यादा आ जाए उसमें, ताकि स्मेल इसके अंदर ना आए, वरना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी एक एक करके पीसीज, बहुत मज़े की बनी थी। इसके अंदर जो लीमू का आता है ना टेस्ट, वो बड़ा अच्छा आता है, खट्टा खट्टा सा, या फिर लीमू नहीं है तो हम सिरका ऐड कर लेते हैं इसमें, सिरके का टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। तो बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी बनी थी। और सर्दियों में तो वैसे भी इस तरह की चीज़ें, फ़िश तो सर्दियों की मरगूब ग़ज़ा है, सर्दियों में खानी चाहिए, अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और वैसे भी सर्दियों में अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें, एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। अभी ये देखिए इसका तकरीबन थोड़ा सा कलर आया है इस पे ब्राउन ब्राउन सा, अभी हम इसको और ज़्यादा ब्राउन करेंगे क्योंकि इसके अंदर अभी स्मेल थी, तो मैंने इसको ज़रा ज़्यादा इसको फ्राई करने की कोशिश की थी कि ज़रा ज़्यादा फ्राई हो जाए। अभी दोबारा से मैं इसको करूँगी थोड़ा ज़्यादा, इससे भी थोड़ा ज़्यादा करूँगी।
ये देखें, ये तैयार हो चुकी है और ये मैंने थोड़ी सी टेस्ट भी की थी और चेक करने के लिए कि इसके अंदर स्मेल है या नहीं है। तो बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनी थी। और ये ब्लैक ब्लैक इसलिए लग रही है क्योंकि इसको मैंने डीप फ्राई किया, ये जली हुई नहीं है, ठीक है, ये जली हुई नहीं थी, इसको बस मैंने ज़रा ज़्यादा फ्राई किया था इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। तो जी, ये था मेरा आज का बिज़ी डे, बिज़ी व्लॉग जो सारा दिन मेरा कुकिंग में गुजरा। ये थोड़ा सा चिकन था, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की थी सिरका चिकन रोस्ट के हवाले से, वो भी आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपसे मिलूँगी। और मैं करने जा रही हूँ लंच, सॉरी डिनर। अल्लाह हाफिज़।